मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। आप एक कोशिक जीव में पढ़ चुके थे पाचन क्रिया को, बहुकोशिक जीव में आपको पढ़ने के लिए है मनुष्य का पाचन तंत्र। वैसे आप जान लीजिए, मनुष्य या कोई भी उच्च श्रेणी का जो जीव है उसमें पाचन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए एक लंबी आहार नली होती है और उस आहार नली से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां हैं जो आपस में मिलकर पूरी पाचन की प्रक्रिया को संपादित करता है। तो पाचन तंत्र वास्तव में बना किससे है? आहार नली। आहार नली को ही बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और पाचक ग्रंथियां ये आपस में एक दूसरे से मिलकर के बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब ये नली जो है आहार नली एक विशेष प्रकार का अंग होता है पाचन क्रिया को संपादित करने के लिए मनुष्य में या फिर उच्च श्रेणी के जितने भी जीव हैं उनमें पाचन क्रिया को संपादित करने के लिए जो विशेष प्रकार का अंग होता है उन्हीं अंगों को हम लोग बोलते हैं आहार नली। इस आहार नली ये लंबी कुंडलित करीब करीब 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर लंबी ये नली होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे अंग सम्मिलित हैं जो पाचन क्रिया में भाग लेता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में उसके बाद आप जानेंगे। यहाँ हमने आपको एक डायग्राम दर्शाया है, ये डायग्राम आप नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे। ये मानव के पाचन तंत्र को दर्शाएंगे। ये आहार नली मुख गुहा यहाँ से शुरू होता है। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है क्योंकि हम भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, मुख में डालते हैं। तो सबसे पहला अंग हुआ आहार नली का, सबसे पहला अंग हुआ मुख जो एक कैविटी में खुलती है। मुख एक छिद्र चेहरे में, मानव के चेहरे में आप देखे हैं सिर वाले रीजन में ये छिद्र है जो ऊपरी होस्ट और निचली होस्ट से घिरी हुई रचना है। ये जिस कैविटी में खुलती है उसी कैविटी को हम लोग बोलते हैं माउथ कैविटी। आपको चित्र में ना माउथ को दर्शा दिए थे और ये कैविटी हुआ माउथ कैविटी मुख गुहा। तो आहार नली मुख से आरंभ होता है और बड़ी आंख का अंतिम सिरा, बड़ी आंख इसलिए बता रहे हैं कि आप नीचे क्लास में पाचन तंत्र में बड़ी आंख का नाम जानेंगे। मुंह से आरंभ होता है और एनस बड़ी आंत का सबसे अंतिम सिरा कहलाता है, गुदा एनस तक फैली रहती है। और चित्र में आपको दर्शा दिए हैं कि ये लंबी है और कुंडलित भी लंबी है। तो सबसे पहला इसके बाद आपको जानना है, पहले डायग्राम को बतला देते हैं और तब आपको आहार नली के अंतर्गत, आहार नल के अंतर्गत कौन कौन सा अंग आता है उसके बारे में आप जानेंगे। ये माउथ कैविटी हुआ, यहाँ हमने इस प्रकार से आपको बना करके दर्शाया है, ये आप नीचे की क्लास में नहीं देखे होंगे। ये है लार ग्रंथि जो माउथ कैविटी में ही खुलती है, इसीलिए इसी से हम इसको जोड़ दिए हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलेब्री ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। मानव में ना 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि,
सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगल ग्रंथि। इसके बाद ये नली जो है थोड़ी चौड़ी सी नली को दर्शाएंगे। ये नली कहलाती है ग्रसनी। ग्रसनी को ही हमने लिखा है फरिंग्स। फरिंग्स के बाद यहाँ एक फल्व के नीचे आने पर ना एक फल्व मांसल फल्व के समान रचना है। और इसके बाद ये नली जो है संकरी हो जाती है। ये संकरी नली कहलाती है ओसोफेगस। वास्तव में ना यहाँ दो भाग में भी विभाजित हो जाती है। तो फिर आगे पाचन क्रिया में आप पढ़ लीजिए उसको। पहले डायग्राम को ही अच्छी तरह से देख लीजिए। ये नली हमने संकरा बना दिया है। ये संकरी नली कहलाती है ओसोफेगस ग्रास नली। ग्रसनी में ना दो भाग हो जाता है, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार, है ना। तो निगल द्वार जिसमें खुलता है वो नली है ग्रास नली ओसोफेगस। अब ये नली नीचे की ओर जब आती है तो यह एक फूली हुई थैली के समान रचना। ये रचना है स्टोमा आमाशय। और यहाँ आमाशय के ऊपर हमने ये बना करके आपको दर्शाया है। ये है लीवर। इसको हिंदी में कहते हैं यकृत। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचक ग्रंथि है। और स्टोमक के नीचे, तो नीचे वाले हिस्से को कैसे दर्शाएंगे, तो थोड़ा सा भाग को ना हम ऐसे बनाएंगे डायग्राम में और थोड़ा सा भाग को ऐसे दर्शाएंगे। ये हल्के पीले रंग की रचना है। ये कहलाती है पेंक्रियास। हिंदी में इसको कहते हैं अग्नाशय। ये भी पाचक ग्रंथि है। मनुष्य में दो पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि ये है यकृत और दूसरा है अग्नाशय पेंक्रियास। अब स्टोमक जो है ये नीचे की ओर एक कुंडली, लंबी कुंडली कुंडली, ये नली कहलाती है छोटी आंत। हमने ऐसे दर्शाया है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ से आपको ये नली दर्शा दिए हैं। ये नली ये है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। थोड़ा चौड़ा जैसा रचना है। ये रचना कहलाती है रेक्टम। और निचला सिरा जिस क्षेत्र के द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलता है ये भाग कहलाता है एनस, गुदा कहलाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे इस तरफ ये बड़ी आंत का ही शीर्ष वाले भाग से इधर अंगली जैसा निकला हुआ प्रबंध के समान रचना। ये रचना कहलाती है अपेंडिक्स। मनुष्य के शरीर में ना पाचन क्रिया में इसका कोई भी काम नहीं है, फिर भी ये पाचक अंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको डायग्राम में दर्शा दिए हैं। क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए यदि ये आकार में बड़ा हो जाता है तो इससे ना यकृत प्रभावित होने लगता है। तो फिर डॉक्टर शल्यक्रिया के द्वारा ना इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल देता, काट करके बाहर निकाल देता है। उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। और यहाँ एक रचना को हमने छोड़ दिया, ये यकृत से जुड़ी हुई आपको यहाँ दिखाएंगे। ये कहलाता है गोल ब्लडर। आप इसको बोलते होंगे
डियोडेनम ग्रहणी उसी में आकर के खुलता है। तो आप इसको मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, पाचन क्रिया में पढ़ेंगे, इस प्रकार से ये क्रिया संपादित होता है, उसमें आप इसके बारे में जानेंगे। आपके पाचन तंत्र की संरचना यही थी। अब माउथ यानी कि आहार नली का सबसे पहला भाग, तो मुंह तो आपको बतला दिए कि मुंह तो छिद्र है जो ऊपरी होश और निचली होश से घिरी हुई रचना है। खुलता किसमें है? माउथ कैविटी में। तब आपको जानने के लिए है कि माउथ कैविटी में और कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। आप अपने मुंह को खोल करके देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? आपके मुंह में जीभ, दांत, लार ग्रंथि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन लार गिरते हुए आप देखेंगे, लार निकलते हुए आप अनुभव किए होंगे। तो सबसे पहले आपको यही जानना है जीभ के बारे में। तो जीभ आपको कैसा दिखाई देता है? ये मांसल रचना है जो हमारे माउथ कैविटी के फर्श सतह से ना जुड़ी रहती है। इसका दो भाग, एक अग्रभाग स्वतंत्र रहता है, इसलिए आप थोड़े से भाग को ना मोड़ सकते हैं, लेकिन इसका पिछला हिस्सा, ये हमने दर्शाया है पिछला हिस्सा जो माउथ कैविटी के फर्श से ना ये जुड़ा रहता है, सटा रहता है। ऊपर का भाग रुखरा होता है और नीचे वाला भाग जो है वह चिकना होता है। जीभ के ऊपर अंकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण के समान ये अंकुर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पैपिले। और यही है हमारा, ये जो छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं ये कहलाता है श्वेत कलिकाएं, स्वाद कलिका कहलाती है, टेस्ट बर्ड कहलाता है। अर्थात जीभ के ऊपर स्वाद के अंकुर पाए जाते हैं। अब आप अनुभव करेंगे कि अगर कोई मीठी वस्तु है तो आप जीभ के अग्रभाग में सटा करके देखिए, आपको पता चलेगा, क्योंकि मीठे स्वाद का अंकुर जो है वह जीभ के सबसे अग्रभाग में स्थित है। लेकिन अगर आप मिर्च को थोड़ा सा आगे वाले भाग में सटा करके हटा देंगे तो आपको करवा नहीं पता चलेगा, क्योंकि कड़वे स्वाद का जो टेस्ट बर्ड है वो जीभ का सबसे अंतिम वाले भाग में पाया जाता है। इसके बाद का जो हिस्सा है उसमें नमकीन, उसके बाद आपको खट्टा, इसलिए चॉकलेट वगैरह को खट्टा मीठा को आप बीच वाले भाग में ना रख करके उसका चूस चूस करके स्वाद लेते हैं। और करवा सबसे लास्ट भाग में है। आप ज़्यादा तीखा खा लेते हैं, कोई करवा दबा पीते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत देर तक उसका स्वाद बना रहता है। इसका कारण है कि वह सबसे अंतिम वाली भाग में